हेलो गाइस, एमएस वर्ड की सीरीज का ये पार्ट 4 वीडियो है। तीन पार्ट इससे पहले बन चुके हैं, उनके जो वीडियो के लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। आप उन वीडियो को भी विजिट कीजिए। फर्स्ट पार्ट में हमने ए से लेकर के जेड तक की शॉर्टकट की के बारे में डिस्कस किया है। पार्ट टू में हमने कुछ ये शॉर्टकट की हैं इनके बारे में डिस्कस किया है। पार्ट थ्री में इनके बारे में डिस्कस किया है और आज हम बात करेंगे पार्ट फोर में इन सभी शॉर्टकट की के बारे में। तो एमएस वर्ड ओपन कर लीजिए। हमने ओपन कर लिया है। यहाँ पर ये पैराग्राफ कुछ गंदा सा हो गया है, इसे डिलीट करते हैं। नया पैराग्राफ एक यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पैराग्राफ लिख लिया है। सबसे पहले शॉर्टकट की हमारे पास है कंट्रोल शिफ्ट टी। कंट्रोल शिफ्ट टी से देखते हैं क्या होता है। रेडियो से लेफ्ट हेडिंग इंडेंट। तो जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया था यहाँ पर कि कंट्रोल टी से क्या होता है। कंट्रोल टी से ये हमारा हेडिंग इंडेंट जो होता है, ये लेफ्ट साइड का हेडिंग इंडेंट मूव होता है। तो अगर इसे वापस से बैक लाना है यानी रिड्यूस करना है तो कंट्रोल शिफ्ट टी के साथ इसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। एक और शॉर्ट की यहाँ पर आ रही है कंट्रोल शिफ्ट एम, रिड्यूस ए हेडिंग इंडेंट। हम दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये लेफ्ट जो होता है ये आप देख पा रहे होंगे कंट्रोल टी से लेफ्ट हेडिंग इंडेंट मूव हो रहा है और कंट्रोल शिफ्ट टी से वापस ये रिड्यूस आ रहा है। लेकिन जब हेडिंग की बात करते हैं हेडिंग इंडेंट की, तो वहां पर कंट्रोल एम की बात कर रहे होते हैं। कंट्रोल एम से पूरा हेडिंग इंडेंट मूव होता है और कंट्रोल शिफ्ट एम से वापस रिड्यूस होता है। तो आई थिंक क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल शिफ्ट एल। कंट्रोल शिफ्ट एल से क्विकली क्रिएट ए बुलेट पॉइंट, यानी बुलेट पॉइंट के बारे में आपको पता होगा। अगर आपको बुलेट पॉइंट चाहिए तो आप सिंपल कंट्रोल शिफ्ट के साथ एल प्रेस कीजिए तो बुलेट पॉइंट आपके पास यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल शिफ्ट एफ। कंट्रोल शिफ्ट एफ से क्विकली चेंज द फॉन्ट, यानी कि आप अगर किसी भी पैराग्राफ का फॉन्ट बदलना चाहते हैं तो आप सिंपल कंट्रोल के साथ शिफ्ट और एफ प्रेस कीजिए तो आपका फॉन्ट मतलब यानी कि वो कंट्रोल डी से जो होता है वही चीज़ यहाँ कंट्रोल शिफ्ट एफ से भी हो रही है, बट कुछ वर्जन जो होते हैं उनमें यहाँ पर सीधे कंट्रोल शिफ्ट एफ से पहुँचता है। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट की है कंट्रोल शिफ्ट पी। कंट्रोल शिफ्ट पी से फॉन्ट का साइज आप यहाँ पर इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट पी। तो यहाँ पर भी हमारा ये फॉन्ट साइज ओपन हो रहा है। आप सीधे यहाँ पर 12 डाल के एंटर प्रेस कीजिए तो आपका साइज जो है यहाँ पर इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट 12 था, एक बार फिर से ट्राई करते हैं कंट्रोल शिफ्ट पी और इसका साइज अभी की बार में करना है 45 एंड ओके। तो आप देखेंगे यहाँ पर इसका साइज इंक्रीज हो गया। तो ये तो कंट्रोल शिफ्ट पी हो गई। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन एंड कंट्रोल शिफ्ट लेस देन। तो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन क्या करता है, इंक्रीज फॉन्ट साइज टू पीटी। तो जो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन है ये फॉन्ट का साइज 2 पीटी एक साथ बढ़ाता है अप टू 12 पीटी, यानी कि अगर इसका साइज हम बढ़ाना चाहते हैं किसी भी वर्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं यहां से मैन्युअली बढ़ा सकते हैं, या फिर अगर कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन प्रेस करें तो हम डायरेक्टली इसका साइज बढ़ा सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये साइज इसका बढ़ रहा है और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसका साइज अभी 22 है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, तो सीधे 24 हो गया और ये 26 हो गया। तो यानी कि ये 2 पीटी साइज इंक्रीज होता है और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से डिक्रीज होता है वो भी 2 पीटी। लेकिन जब ये 12 के नीचे आता है, जैसे भी आप देख पा रहे होंगे 12, अब इसके बाद ये 1 पीटी इंक्रीज और डिक्रीज होता है 12 के नीचे की जब बात करते हैं 10, 9, 9, 10, 11, 12, और जैसे ही 12 के ऊपर जाता है तो ये 2 पीटी इंक्रीज और डिक्रीज होता है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल सेट ब्रैकेट। तो कंट्रोल के साथ जो क्लोजिंग सेट ब्रैकेट है इससे क्या होता है, इससे भी आपका फॉन्ट साइज इंक्रीज होता है बट 1 पीटी। हर कंडीशन में आपका 1 पीटी जो साइज है इंक्रीज होगा और कंट्रोल प्लस ओपन सेट ब्रैकेट के साथ में जो आपका होगा ये डिक्रीज होगा 1 पीटी। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस होम। कंट्रोल होम से क्या होगा कि आप कहीं भी टाइपिंग कर रहे हो, अगर आप कंट्रोल के साथ होम प्रेस करते हैं तो आप डॉक्यूमेंट में फर्स्ट लाइन के
पहले पहुंच जाएंगे। अगर आप कंट्रोल के साथ एंड प्रेस करते हैं तो आप डॉक्यूमेंट के सबसे नीचे आ जाएंगे। तो ये काफी बेस्ट शॉर्ट की है। अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं और आपको अचानक से ऊपर जाना हुआ तो आप सीधे कंट्रोल प्लस होम प्रेस कीजिए, आप कितने भी पेज नंबर पे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर कुछ और भी शॉर्ट की देख लेते हैं जो हालांकि लिखी तो नहीं गई है। अगर हम यहाँ पर टाइपिंग कर रहे हैं और हमें इस लाइन के स्टार्टिंग में जाना है तो सिंपली हम होम प्रेस करते हैं, ओनली होम। अगर कंट्रोल के साथ होम प्रेस करेंगे तो डॉक्यूमेंट के ऊपर पहुंचेंगे, एंड बटन प्रेस करने पर लाइन के एंड में आ जाएंगे। तो यहाँ पर पार्ट फोर की शॉर्ट की भी हमारी क्लियर हो गई है। आप साथ साथ में इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए या फिर इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट कीज हैं, शॉर्ट की हैं, जो हर एग्जाम में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगी और आपको एक कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनाएंगी, जिससे आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।